मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए क्या आई हूँ नाश्ते में हेल्दी नाश्ता। उसके लिए हमने यहाँ पे बनाया है आज अंडे और सब्जियों का पराठा, जो हम इस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स। चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस करेंगे। आलू मैंने बॉइल करके रखे हैं फ्रेंड्स। अभी ये आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। इसमें हम ये जितने भी हमने ये चार अंडे लिए हैं इसमें हम फोड़ देंगे। अभी मैंने ये अंडे फोड़ लिए हैं इसमें। अभी मैंने सारी सब्जियां काटी हैं। हरा धनिया काटा है थोड़ा सा, एक मैंने शिमला मिर्च काटी है, एक मैंने प्याज काटा है, दो हरी मिर्च काटी है और मैंने यहाँ दो टमाटर काटे हैं बीज निकाल के। इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये नमक स्वाद अनुसार। ये थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लिए बेलेंगे रोटी। अभी ये मैंने आटा गूंदा है। आटे में मैंने ये थोड़ा सा नमक डाला है। अभी हम बनाएंगे इसकी पतली सी रोटी। अभी हमने ये रोटी बेली है, अब इसको डालेंगे तवे पे। इसको हम पलट देंगे। अब हम एक और रोटी बेलेंगे। हम इस वाली रोटी को उससे भी बड़ा बेलेंगे। दूसरी रोटी को हमने उससे काफी बड़ा बेला है। अभी हम इसके ऊपर रख देंगे। अभी हमने जो ये बनाया है इसका मसाला परांठे का, इसके ऊपर बिछाएंगे अच्छे से। अभी हम इसके ऊपर से इसको हल्का हल्का और लगा देंगे। अब हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। इसको हम अच्छे से चिपका देंगे। जहां से खुली हुई है वहां से बंद कर देंगे ऊपर से इसका मसाला डाल के। ये अच्छे से बंद हो गया। अब इसको हम पलट देंगे। तो सिम गैस पे पकाएंगे तभी ये अच्छे से पकेगा अंदर तक। इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। अभी हमने इसको दो मिनट के लिए ढक दिया था। अभी ये देखो फूल गया है अच्छे से, ये पकने लग गया है। इसको हम दोबारा से पलटेंगे। इसको हम फिर से ढकेंगे। अभी दूसरी तरफ भी देखो बहुत बढ़िया से ये फूल गया है। अभी ये परांठा बनके फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्रेंड्स हमारा ये परांठा बनके तैयार हो गया है बिल्कुल। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे। फ्रेंड्स अंडे का परांठा हमारा बनके तैयार है सब्जियों वाला। ये आप इस तरीके से सब्जियों और अंडे का परांठा बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए डिश के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।